हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। आज हमारी डिस्कशन रहने वाली है बीआरएस चैप्टर के ऊपर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज अनफेवरेबल बैलेंस की। कौन से बैलेंस की? अनफेवरेबल बैलेंस। आपने मेरे साथ साथ बातों को समझना है, और अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है बीआरएस को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि बिल्कुल आपके बेसिक्स को क्लियर करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि उस बेसिक की वीडियो देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स नेम इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और आज जो हमारी डिस्कशन है वो है अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस, बड़े ध्यान से आपने मेरी बातें सुननी है। देखो भाई, बीआरएस की जब हम बात करते हैं तो एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होगा अनफेवरेबल बैलेंस। एक फेवरेबल और दूसरा अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्या शो करता है? एक पॉजिटिव साइन, कस्टमर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए एक पॉजिटिव साइन शो करता है। इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये है कि अगर उस कस्टमर का अकाउंट है, कौन से बैंक के अंदर? आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उसका अकाउंट है। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब है उसका बैंक के अंदर पॉजिटिव अमाउंट दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1,00,000 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ फेवरेबल का? कि उस कस्टमर का उस बैंक के अंदर 1,00,000 रुपया जमा है जो वो जब मर्जी निकाल सकता है। तो खुद देखो ना, अगर कस्टमर का पैसा एक बैंक के अंदर जमा है और वो एक फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है तो फेवरेबल का मतलब ही क्या? पॉजिटिव साइन है। वो कस्टमर, वो ओनर, वो बिजनेसमैन कभी भी बैंक में से अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, तो उसके लिए तो पॉजिटिव साइन है, वो उसी का पैसा है। इसलिए फेवरेबल बैलेंस की जब मैं बात करता हूँ तो वो एक बिजनेसमैन के लिए किसकी तरह हो जाता है सर? वो एक असेट की तरह हो जाता है, क्योंकि वो बैंक में से कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है, उसका उस बैंक के अंदर पैसा जमा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कौन से बैलेंस की? अनफेवरेबल बैलेंस की। तो सर अनफेवरेबल मींस नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब सर अब आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उसके कुछ पैसे जमा ही नहीं है, उसके कुछ पैसे जमा ही नहीं है, नील अमाउंट है, बल्कि उल्टी सिचुएशन है, बैंक वालों ने ओनर से या बिजनेसमैन से पैसा लेना है। बल्कि आप समझे यहाँ पर मतलब दोनों बातों में फेवरेबल का मतलब खुशियां है सर, खुशियां मतलब सर बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, जब चाहे उसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अनफेवरेबल बैलेंस की तो सर ये तो बड़े दुख की बात है। इसका मतलब बैंक में हमारा पैसा पड़ा नहीं है, बल्कि बैंक वालों ने हमसे पैसा लेना है, इसीलिए हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस है। और इसीलिए क्योंकि हमने बैंक वालों को पैसा इस केस में देना है, इसका मतलब सर ये हमारे लिए असेट सिचुएशन नहीं है, ये तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन ने, ओनर ने वो पैसा बैंक वालों को लौटाना है, तो इसलिए वो बिजनेसमैन की तो क्या हो गई सर? वो एक बिजनेसमैन की लाइबिलिटी हो गई है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब तो सर ये होता है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ उसकी जरा प्रैक्टिकल सेंस पर। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, बड़े ध्यान से आपने देखा है स्टूडेंट को, नॉर्मली इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आपको कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ देखो आज की डिस्कशन क्या है। आज मैं आपको बातें बताऊंगा ये, जब स्टार्टिंग पॉइंट हो एज पर कौन सी बुक? एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अनफेवरेबल बोलूं या क्रेडिट बैलेंस बोलूं, बात एक ही है। इसका मतलब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस दिखने का मतलब है हमने बैंक वालों से पैसा लेना नहीं है, बल्कि बैंक वालों को पैसा देना है, इसीलिए तो हमारे लिए क्या होगी सर? वो एक लाइबिलिटी थी। अभी मैंने आपको बताया अनफेवरेबल बैलेंस बिजनेस के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक वालों से हमने लेना नहीं है सर, बैंक वालों को हमने पैसा पे करना है। क्रेडिट बैलेंस है, हमारी लाइबिलिटी दिख रही है, ये बात तो ठीक है। मतलब आपने ऐसे समझना है। और जब भी बीआरएस की आप बात समझो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। तो जितने भी ऑल्टरेशन आप कर सकते हो, जो भी प्लस माइनस आप करोगे उसी बुक में करोगे जो बुक आपके पास अवेलेबल होगी। जैसे इस केस के अंदर, आज के केस के अंदर मैं आपको कैश बुक के हिसाब से बताऊंगा, तो आपने क्या करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि सर कैश बुक में प्लस होगा कुछ और कैश बुक में कुछ माइनस होगा, मतलब जो भी ऑल्टरेशन होंगी वो कैश बुक में होंगी। गलती से भी पासबुक के हिसाब से नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर सर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है? कैश बुक है। अगर यही स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता तो हम चेंजेस किस में करते सर? हम फिर चेंजेस करते पासबुक के अंदर, ये बात तो ठीक है। आपको ये पता होगा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको उसको जरूर देखना है, ठीक है ना। कैश बुक के अंदर मतलब देखो दो पार्टीज ही तो है यहाँ पर। जरा मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूँ, जो ओनर है बिजनेस का, जो ओनर है वो बैंक की ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करता है अपनी? वो अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बुक के अंदर, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो बैंक वाले हैं वो भी तो हमारा अकाउंट रिकॉर्ड करते होंगे, वो भी तो हमारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं रखते होंगे, बिल्कुल। वो जहाँ रिकॉर्ड करके रखते हैं उसे हम बोलते हैं पासबुक या बैंक बुक। हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बैंक की बातें? ओनर कहां पर रिकॉर्ड करता है, बिजनेस कहां पर रिकॉर्ड करता है, बैंक की बातें कैश बुक के अंदर सर, और बैंक वाले हमारी बातें कहां रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक के अंदर, और पासबुक को हम बैंक बुक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस दिखना मतलब हमने बैंक वालों से लेना नहीं है, बल्कि हमने बैंक वालों को पैसा पे करना है। बैंक वालों को जब हमने पैसा पे करना होता है ना, बड़े ध्यान से देखना, जब भी हम लोगों ने बैंक वालों को पैसा पे करना होता है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, लेकिन उस लाइबिलिटी का नाम आपने बड़े ध्यान से देखना है। उस लाइबिलिटी का नाम होता है सर ये ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है हम लोगों ने बैंक में से पैसा ज्यादा निकाल लिया है। तो हमने बैंक में से ज्यादा निकाल लिया, हमारे बैंक के साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो उन्होंने हमें एक फैसिलिटी दी। एक्चुअली ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो कि बैंकर्स बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो वो कभी कभी ये फैसिलिटी भी देते हैं कि आप बैंक में से जितना पैसा आपका जमा भी नहीं है, आप उससे ज्यादा भी विड्रू कर सकते हो। तो आपने उस समय के लिए बैंक वालों ने आपको फैसिलिटी के तौर पर एक्स्ट्रा मान लो 20,000 दे भी दिए। तो आज तो आपके पास 20,000 आ गए, लेकिन कभी ना कभी तो आपको वो पैसा बैंक वालों को पे करना होगा। इसीलिए ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी कहलाई जाती है, क्योंकि कभी ना कभी तो ओनर को, बिजनेसमैन को वो पैसा किसको, बैंक को लौटाना होगा। ये बात तो सर क्लियर होगी, ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या कह लो अनफेवरेबल बैलेंस, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने बैंक से पैसा लेना नहीं है, बल्कि हमने बैंक को पैसा देना है, क्योंकि उन्होंने हमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। हमें उन्होंने अलाउ करा कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हमें उनको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट बैलेंस है हमारे लिए, क्रेडिट बैलेंस ही होता है लाइबिलिटी। अगर यहाँ डेबिट बैलेंस होता इसका मतलब क्या होता, वो हमारे लिए असेट होता, इसका मतलब बैंक में हमारा उतना पैसा जुड़ा होता। लेकिन यहाँ सिचुएशन उल्टी है, यहाँ हमने बैंक वालों को पैसा पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है। ये बात क्लियर है, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कुछ ट्रांजेक्शन के थ्रू आइटम्स बताऊंगा, जहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चीजों को टैकल करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है ना। एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। आओ मेरे साथ साथ देखें इसे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा सिचुएशन बना दूं कि मान लो ये एग्जांपल देखो, जो मैं अभी लिखने वाला हूं वो पूरे हमारी आज की क्लास में वही फॉलो होने वाला है। कस्टमर या कह लो जो बिजनेसमैन है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करता है, बैंक की बातें सर अभी आपने बताया कैश बुक के अंदर। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस है मतलब बैंक के अंदर हमारा कुछ पैसा पड़ा ही नहीं हुआ, तो पॉजिटिव तो साइन नहीं देगा, नेगेटिव ही तो करेगा। कैश बुक के अंदर भी नेगेटिव कितना अमाउंट दिख रहा होगा, तो नेगेटिव का मान लो कितना दिख रहा है 4,000, कितना दिख रहा है 4,000। मतलब हम भी मान रहे हैं, बिजनेसमैन भी मान रहा है कि हाँ जी हमने बैंक वालों को कितना रुपया देना है, 4,000 रुपये देना है। तो ये बिजनेसमैन के लिए तो कहीं ना कहीं क्या है, लाइबिलिटी बढ़ के दिख रही है, बिल्कुल। और वहां से पासबुक वाले भी मतलब बैंक वाले भी कह रहे हैं हाँ जी हमने कितना रुपया लेना है, 4,000 रुपया हमसे लेना है। ये बात तो ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कर्जा एक हिसाब से 4,000 का, और उस समय यहाँ पर भी कर्जा 4,000 रुपये का। ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखना है आपको पूरे बुक में, मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा यहाँ पर तो इसी के थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग में कैश बुक के अंदर भी मैंने माइनस का 4,000 मान लिया, मतलब हमने बैंक वालों को 4,000 रुपया देना है, और वहां पर बैंक वाले भी कह रहे हैं हाँ जी हमने आपसे कितना रुपया लेना है, 4,000 रुपया लेना है। ये बात तो क्लियर है। अब देखते हैं मेरे साथ साथ बात को, एक एक केस समझेंगे यहाँ पर। नंबर 1 केस, चेक्स इशूड but not presented for payment, ठीक है ना, ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आओ जरा मेरी कहानी को आप समझे। अभी हमने माना था कैश बुक के अंदर भी कितने का बैलेंस था, -4,000, और अभी तो पासबुक के अंदर भी कितना ही है, -4,000 रुपया। अभी तो सारी ट्रांजेक्शन हमारी टैली है, मतलब समझिए ना। बीआरएस तो बनती तब थी जब दोनों बुक्स में क्या आ जाए, डिफरेंस ही आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर तो हालात सही रहते हैं, बाद में कुछ चेंजेस आते हैं। तो अभी तो वहां पर भी -4,000 और यहाँ पर भी -4,000 दिख रहा है। अब बात आती है कि जब चेक इशू होंगे, चेक इशू करे होंगे हमने, तो चेक किसको इशू करे होंगे भाई, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, चेक हम हमेशा किसको इशू करते हैं, क्रेडिटर्स को। किसको, क्रेडिटर्स को। हमने चेक इशू कर दिए, लेकिन अभी तक उस बंदे ने जिसको हमने चेक इशू करा है उसने अभी तक उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं करा। तो क्या हुआ वो जरा देखोगे, यहां देखो ये जो हमारा अकाउंटेंट बैठा है, ये हमारा अकाउंटेंट है जो हमारी मुंशीगिरी करता है। खुद देखो ऑलरेडी हमने बैंक वालों का कितना रुपया देना था, 4,000 रुपया, ऊपर से हमारे अकाउंटेंट ने 1,000 रुपये का और चेक इशू कर दिया, किसको, क्रेडिटर को। तो भैया चेक हमने इशू तो कर दिया क्रेडिटर को 1,000 रुपये का, लेकिन हमारे पास 1,000 रुपये का अमाउंट है ही का, लेकिन चेक इशू कर दिया। इसका मतलब ये भी हमारे लिए कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, ये भी हमारे लिए माइनस का क्या है, 1000 हमने उसको और इशू कर दिए, तो हमारी लाइबिलिटी अब बल्कि बैंक की तरफ कितनी थी, ऑलरेडी 4000 थी, साथ में हमने क्रेडिटर को और चेक इशू कर दिया, तो अब हमारी टोटल लाइबिलिटी बढ़कर तो कितनी हो गई 5000 की। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ आप, कहोगे सर ठीक है ये बात तो क्लियर होगी। ऑलरेडी हमने ओवरड्राफ्ट के नाम से कितना रुपया देना था बैंक का, 4000 देना था, साथ में हमने क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया जो कि अभी तक उसने पेमेंट के लिए डाला नहीं है बैंक के अंदर। तो हमारी तरफ से जैसे हमारे अकाउंटेंट ने चेक इशू करा होगा, और हमारे बैंक में कोई पॉजिटिव साइन तो वैसे ही नहीं है, बैंक में हमारे पैसा ही नहीं है, और हमने साथ में एक और चेक इशू कर दिया, तो आप बताओ ऑलरेडी बिजनेसमैन ने 4000 तो बैंक को वैसे ही देने थे, साथ में 1000 का और चेक इशू कर दिया, तो बताओ हमारी लाइबिलिटी अब बल्कि 4000 से बढ़कर कितनी हो गई है सर 5000 हो गई है। लेकिन उस बंदे ने, हमने मान लो मिस्टर बी को चेक इशू करा था, उसने अभी तक उसे पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट करा ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे बैंक पर कोई असर आया ही नहीं होगा, कोई उथल पुथल हो ही नहीं होगी, क्योंकि उसने अभी तक उस चेक को प्रेजेंट करा ही नहीं। तो वहां तो अभी में अमाउंट कितना ही दिख रहा होगा, माइनस का कितना 4000। अब देखो पासबुक में दिख रहा है माइनस का 4000 और कैश बुक के अंदर दिख रहा है माइनस का 5000। तो अब चीजें इक्वल नहीं है, और आप जानते हो जब चीजें इक्वल नहीं हो तो क्या बनती है, तब बनती है सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट था, हम जो आज सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। तो सारे चेंजेस हम लोग कैश बुक के हिसाब से देखेंगे। तो आप देखो तो कैश बुक 1000 से क्या हो रखी है, 1000 से बड़ी हुई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टक लाने के लिए, भाई पासबुक को नहीं देखना, अब हमने हमेशा किसको देखना है कैश बुक को, तो पासबुक से मैच करनी है। तो अगर हमारे पासबुक तो अभी 4000 हुई है, लेकिन कैश बुक देखो बढ़कर कितनी हो गई है माइनस की 5000, तो हमें वापस से पासबुक के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांजेक्शन को हमें इसे बुक्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और इसे बुक्स में दिखाना पड़ेगा लेस करके। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने बड़े ध्यान से बस कर्जे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी कितना था, मतलब बैंक वालों को ऑलरेडी हमने कितना रुपया देना था, माइनस का 4000, और हमने ट्रेडर को और चेक इशू कर दिया, हमने और अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो लाइबिलिटी 4000 से बढ़ के हमारे अकाउंटेंट ने तो तुरंत ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा होगा, और जैसे उसने 1000 का और चेक दिया होगा, तो हमारी लाइबिलिटी अब बढ़कर दिख रही होगी माइनस 5000। लेकिन उस बंदे ने अभी तक चेक को क्या करे, पेमेंट के लिए डाला ही नहीं है, तो वहां पर हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं आया, जितनी थी आज भी उतनी दिखाई दे रही होगी। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो हमेशा बनती है कौन सी स्टेटमेंट, BRS स्टेटमेंट। कैश बुक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, और कैश बुक 1000 से ज्यादा बढ़ी हुई है, और मुझे पासबुक तक लाना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा सर, मुझे उसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, वेरी गुड, ये होगी पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरी। आपने आज सारी बातें बड़े ध्यान से समझनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। आगे करते हैं हम जरा सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, इन कैश बुक। मान लो कितने का, 500 का। बड़े ध्यान से देखना, वही कहानी, कैश बुक के अंदर ऑलरेडी हमारी लाइबिलिटी कितने की है, हमने बैंक वाले को कितना देना है, हम मान रहे हैं 4000, और पासबुक वाले भी कह रहे हैं हमने कितना लेना है जी, हमसे 4000 लेना है। आज कोई झगड़ा नहीं है, इक्वल है सारी बातें। अब देखो यहाँ वर्ड आ रहा है सर चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड का मतलब तो ये है कि हमें जरूर डेटर से कुछ चेक मिला होगा, ऑब्वियसली हमने तभी तो डिपॉजिट कराया होगा, जमा कराया होगा, जब हमें किससे पैसा मिला होगा, डेटर से। तो डेटर से हमें पैसा मिला, और हमने उसे अभी तक कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं करा। बड़े ध्यान से देखना, BRS की खासियत है, जो बातें लिखी हैं बस उसी को मानना है, अपने आप से कोई अजम्पशन नहीं माननी। इसका मतलब हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं करा, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि चेक डिपॉजिटेड, जो कि हमें डेटर से मिला, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन क्लैरिफाई कर रही है, साफ साफ बोल रही है कि हमने उसे कहाँ नहीं रिकॉर्ड करा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब पासबुक में तो रिकॉर्ड हुआ होगा, ये अजम्पशन रहेगी, हमेशा आप ध्यान रखना। जितनी ट्रांजैक्शन के बारे में क्वेश्चन बोलेगा, आपने उसे उतना इंटरप्रेट करना है, बाकी जगह आपने ये मानना है कि वहां पर तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी। इसका मतलब पासबुक में तो ये 500 जब हमने जमा कराए होंगे, तो 500 हमारे जमा हो गए होंगे। अब सबसे पहले देखो, ये जो हमारा अकाउंटेंट था, उसने इस 500 की चेक को रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन बैंक के अंदर इसका मतलब ये रिकॉर्ड हो गया होगा जब हमने डिपॉजिट करा होगा। तो जब हमारे 500 बैंक के अंदर जमा हुए होंगे, तो वो तो हमारे पैसे हैं, तो प्लस का साइन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर। तो 4000 हमने बैंक वालों के देने थे, जिसमें से हमारे प्लस के 500 आ गए, तो आज बैंक वाले हमसे सिर्फ कितना मांग सकेंगे, 3500। हमारी लाइबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि ये 500 तो हमारा ही पैसा है, हमने ऑलरेडी भाई चलो मान लो बैंक के हिसाब से हमने उनके कितने रुपए देने थे, 4000 देने थे, और हमें डेटर से हमारा ही पैसा 500 रुपए का मिला, तो हमारा पैसा जब बैंक के अंदर जमा हो गया होगा तो हमारी लायबिलिटी ऑब्वियसली सर 4000 थोड़ी ना बची होगी। 500 रुपए जब हमारे पॉजिटिव वाले उसके अंदर जुड़ गए तो आज बैंक कह रहा होगा लोहित सर हमने आपसे 4000 नहीं बल्कि सिर्फ कितने लेने हैं 3500 रुपए, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने अभी तक इस 500 रुपए की एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, तो आज वहां पर कितना ही अमाउंट दिख रहा होगा माइनस का 4000। तो सर यहाँ पर फिर से ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, इक्वल नहीं है, फटाफट से बना दी जाएगी क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आज का चल रहा है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक, तो प्लस माइनस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, सर प्लस माइनस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो आप ध्यान से देखो तो कैश बुक माइनस 4000 है, ज्यादा अमाउंट है, और पासबुक के अंदर सिर्फ 3500 है, तो हमें 4000 को लेस करना पड़ेगा ताकि वो 3500 के बराबर हो जाए। तो दूसरी ट्रांजेक्शन में आपको समझ में आ गई किस हिसाब से हमारी ट्रांजेक्शन लेस हुई है। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो बताएं। क्लियर हो गया सर, वेरी गुड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। थर्ड बात करते हैं, आओ मेरे साथ सर। थर्ड बात है रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक मतलब बैंक ने गलती से, रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, गलती से हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट करने का मतलब है उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे चढ़वा दिए। क्रेडिट का मतलब हमेशा ये होता है जब भी बैंक हमारा कुछ क्रेडिट करता है इसका मतलब हमारे लिए फायदा है, हमेशा आपने ध्यान रखना है। और जब भी डेबिट करता है मतलब उन्होंने हमसे पैसे चार्ज करे होंगे या हमसे पैसा काटा होगा। तो यहाँ पर रॉन्ग क्रेडिट करने का मतलब ये हुआ, अगर मैं वही एग्जांपल लूँ कि कैश बुक में फिर से हमारी लायबिलिटी कितनी थी बैंक वालों की तरफ 4000, और पासबुक बैंक वाले भी कह रहे थे हम जी हमने आपसे कितना लेना है, यहाँ तक तो बात सेम थी। लेकिन मान लो यहाँ पर 200 रुपये उन्होंने गलती से हमारे अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। मतलब 200 रुपये उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए। क्रेडिट का मतलब है उन्होंने हमें 200 रुपये का फायदा पहुंचाया। जब वो हमें 200 रुपये का फायदा पहुंचाएंगे हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसका मतलब उन्होंने हमें 200 रुपये दिए होंगे, तो प्लस के 200 होंगे वो तो हमारे लिए। तो हमारे प्लस के 200 जब उन्होंने गलती से रिकॉर्ड कर लिए तो आज उनकी बुक्स में लायबिलिटी घटकर सिर्फ कितनी रह गई होगी 3800। बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल सर, पहले 4000 रुपये थे जिसमें से 200 रुपये उन्होंने गलती से हमें क्रेडिट कर दिए, मतलब उन्होंने हमें दे दिए। तो आज 4000 में से जब 200 रुपये उन्होंने हमें दे ही दिए हमारे वाले, गलती से ही सही, तो हमारी आज लायबिलिटी बैंक वाले कह रहे होंगे सर आपने हमें कितने रुपए देने हैं, सिर्फ 3800। लेकिन ये बात अभी तक कैश बुक या कह लो अकाउंटेंट को हमारे पता नहीं चली होगी, ये बात तो पासबुक को ही या कह लो बैंक को पहले पता चली होगी। तो बैंक वालों ने तो तुरंत ट्रांजेक्शन को घटा के सीधा कितना दिखा दिया होगा 3800। लेकिन ये 200 रुपये की ट्रांजेक्शन अभी तक हमारे अकाउंटेंट को या कह लो कैश बुक में जानकारी नहीं मिली होगी। तो आज दोनों के बीच में क्या आ गए सर, डिफरेंसेज आ गए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी दिख रहा है माइनस का 4000 और यहाँ दिख रहा है सर 3800। तो दोनों इक्वल नहीं है सर, फटाफट से बना दी जाएगी क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज में हमारी कैश बुक 200 रुपये से ज़्यादा दिख रही है और पासबुक सिर्फ 3800 है। तो हमें कैश बुक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा पासबुक के बराबर लाने के लिए इसको भी लेस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो बताओ। तो देखने वाली बात है रॉन्ग क्रेडिट कर दिया मतलब गलती से उन्होंने हमें पैसा अलाउ कर दिया, हमारे लिए फायदा है। तो जब 200 का हमें फायदा मिला तो टोटल कर्जा बैंक की नज़र में अब हमारा 4000 नहीं है सर, वो घटकर सिर्फ 3800 हो गया है। और हमारे अकाउंटेंट ने अभी तक उस ट्रांजेक्शन को क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करा है, ये बात सबसे पहले बैंक को भी पता चली होगी तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दी होगी। और जब तक कैश बुक के अंदर एंट्री होगी नहीं तो आज भी कैश बुक 4000 की जगह कितनी दिखाई दे रही होगी 4000 रुपये। दोनों में डिफरेंसेज आ गए हैं सर, BRS बनेगी और कैश बुक के हिसाब से वो लेस भी हो जाएगी। ठीक है ना सर, अब बात समझ में आ रही है। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप मेरी बात देखते रहो ध्यान से। फोर्थ केस देखो, चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर्स, मान लो कितने का 800 का। अब डेटर से जो हमें चेक मिला उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायरेक्टली वो पैसा सीधा बैंक में जमा करा दिया।